दोस्तों महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 ये बहुत सारी कठिनाइयों में चली गई है। इस पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, हाई कोर्ट ने यहाँ पे रोक लगा दी है। और यहाँ पे बताते हैं आपको इसके ऊपर से कब तक रोक हट जाएगी दोस्तों, इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों आपको बता दें कि महात्मा गांधी की जयंती भी आ रही है ठीक 2 अक्टूबर को। तो यहाँ पे क्या है कि 2 अक्टूबर से पहले पहले शांति और अहिंसा विभाग यहाँ पे आपका जो है हाई कोर्ट को जवाब देने ही वाला है। जवाब शांति और अहिंसा विभाग ने तैयार कर लिया है और तैयार करके कुछ इसमें संशोधन भी किया जाएगा। दोस्तों आज इस वीडियो में यही बताएंगे कि संशोधन क्या किया जाएगा इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो है प्राथमिकता जो देने वाला था उसके अंदर थोड़ी सी वर्धित की जा सकती है। सभी को प्राथमिकता वहाँ पे इस तरह से एलिजिबिलिटी के तौर पे आपको लिया जाएगा ठीक। गांधी दक्षिण यात्रा जो भी यात्रा की थी, प्रशिक्षण यात्रा, उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी ठीक। और यहाँ पे क्या है कि पदों के अंदर वृद्धि की जा सकती है, और कुछ नहीं, पदों के अंदर वृद्धि की जा सकती है ठीक। पदों के बाद में यहाँ पे और बड़ा संशोधन क्या होने वाला है। और प्राथमिकता जो बात करें, यहाँ पे पुलिस मित्र है वो सारे जो पहले थे उन्हीं की प्राथमिकता रहने वाली है ठीक। इसके बाद में अब बात करें सैलरी की, तो सैलरी बढ़ने की संभावना है यहाँ पे, जो फ़िलहाल 4500 रुपये रखी गई थी, तो अब इसको बढ़ा के लगभग जो यहाँ पे बता दूँ आपको 6000 रुपये तक की जा सकती है। तो 6000 रुपये तक लगभग सैलरी आपकी की जा सकती है, 4500 से आपकी 6000 की जा सकती है सैलरी। क्योंकि कम सैलरी के अंदर यही मुद्दा, पहले मुद्दा ही यही था कि कम सैलरी के अंदर लगभग क्या, कम सैलरी के अंदर आप 24 घंटे काम करवाओगे उनसे, तो वो कैसे संभव है, वो भी यहाँ पे था। तो आपकी सैलरी है ये बढ़ जाएगी, तो सैलरी हो जाएगी यहाँ से 4.5K से यहाँ पे 6000 तक हो जाएगी सैलरी। अब दोस्तों सैलरी सरकार बढ़ाएगी तो आपका काम भी बढ़ाएगी, जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक होंगे तो उनका काम भी बढ़ेगा। काम मैं आपको बता दूं, काम तो जैसे बहुत सारे काम बढ़ सकते हैं। अब जन कल्याणकारी योजनाएं तो हो ही गई, यहाँ तक जो भी सरकार के द्वारा जो भी चीज़ें आयोजित की जाएगी ठीक, कहीं कैंप भी आयोजित किया जाएगा तो यहाँ पे आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। किसी भी कहीं भी कैंप यहाँ पे किया जाता है सरकार की तरफ से, जो भी चीज़ें चलाई जाएगी ठीक, वहाँ पे आपको ड्यूटी बजानी पड़ेगी अपनी ठीक, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। तो ये काम आपका बढ़ जाएगा, आपको सैलरी वो ज़्यादा दे रहे तो काम भी वो ज़्यादा ही करवाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, लगभग 8 घंटे आपका काम रहेगा इसके अंदर, सेवा प्रेरक के अंदर नॉर्मल सा काम रहेगा। और कुछ भी जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना, और मैं आपको बता दूं कि ये जन कल्याणकारी योजनाओं का तो प्रचार करना ही है। ये अनुमानित ये बताया जा रहा है कि महात्मा प्रेरकों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फील्ड के अंदर भेजा जाएगा। देखिए अभी सरकार दोबारा आती है तो ज़्यादा इनको काम दिया जा सकता है, वरना क्या है कि क्या पता है, जो बीजेपी सरकार आने वाला, कोई भी सरकार आ सकती है, अनुमानित कुछ भी नहीं है। यदि सरकार चेंज होती है तो हर बार हम देखते हैं सरकार चेंज होती है और कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसी योजनाएं होती है, हर एक सरकार उस सरकार को पसंद नहीं आती है। जैसे गहलोत सरकार की ले लीजिए ठीक, वहाँ पर भामाशाह योजना शुरू की गई थी यहाँ पर वसुंधरा के द्वारा ठीक, उसके बाद में उसे रिप्लेस किया गया जन आधार के रूप में। तो ठीक, अब यदि बीजेपी सरकार आती है और बीजेपी सरकार को यहाँ पे जन आधार पोर्टल भी अच्छा नहीं लगता है तो ठीक, उसको रिप्लेस कर देगा किसी और पोर्टल के अंदर, या फिर वापस हम भामाशाह को देखें। तो यहाँ पे ये सरकार चेंज होने से सिस्टम चेंज होता है, तो यहाँ पर महात्मा गांधी प्रेरक का डिसाइड कौन करेगा, नेक्स्ट सरकार आने वाली की ठीक है। अब ये भर्ती तो करवा लेंगे, हाँ भाई रिजल्ट भी तैयार कर देंगे, रिजल्ट भी कर देंगे और जॉइनिंग ट्रेनिंग सब कुछ करवा देंगे आपसे, लेकिन वो सरकार किसकी बनती है, आपके ऊपर हैंडल कौन सी सरकार करेगी ठीक, उसके ऊपर रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। आपको एक साल तक अस्थायी हो आप, एक साल तक तो आपको कोई हटाने वाला नहीं होगा, आपको जो सैलरी गहलोत सरकार ने तय की है उसी सैलरी को आपको देना पड़ेगा उनको, लेकिन अगले साल पता नहीं जो भी हो। यहाँ पे ये अनुमानित है कि कौन सी सरकार आती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर सरकार बदलती रहती है,
तो अपडेट ये है कि यहाँ पे भामाशाह जो भी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक है उनकी जो नियुक्ति या 2 अक्टूबर के आसपास लगभग तय मानी जा रही है और लगभग अक्टूबर के अंदर आपका हो ही जाएगा, आचार संहिता से पहले ही हो जाएगा, तो ये संभव है। और उसके बाद में जो मैंने बता दिया सरकार चेंज होती रहती है तो ये चीज़ें तो होने वाली है। यदि आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है यहाँ पे इस सरकार के अंदर सब कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे लगता है कि अगली सरकार आती है तो आपको अस्थायी तो है, आप 1 साल पूरा होते ही आपका कार्यकाल समाप्त कर दें, ये भी हो सकता है। या फिर वो उनको भी ये प्रोजेक्ट अच्छा लगे और इस प्रोजेक्ट के नाम को चेंज करके ठीक कोई और नाम अटल बिहारी कुछ भी रख के चेंज करके आपको वहाँ पे जो है ये प्रेरक बना दिया जाए, तो अलग तरीके से हो सकता है चीज़ें। आपको पता है चीज़ें बदलती है, जब सरकार बदलती है तो चीज़ें बदलती है, हद तक बदल जाती है। और यही था, और चीज़ें बताऊँ आपको, केंद्र के अंदर ऐसा नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं हुआ, केंद्र के अंदर ऐसा नहीं हुआ। जब बीजेपी सरकार कांग्रेस सरकार थी तो बीजेपी आई तो यहाँ पे कांग्रेस सरकार के राज के अंदर ही आधार कार्ड को लाया गया था, एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कांग्रेस सरकार की जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के अंदर लाया गया था, तो बीजेपी सरकार ने उसे रिप्लेस नहीं किया। लेकिन आपको बता दूं यहाँ पे राजस्थान के अंदर ठीक उसका उल्टा है। उल्टा क्यों है, जैसे मैंने आपको बता दिया भामाशाह पोर्टल था बीजेपी की ओर से, उसके बाद में जन आधार पोर्टल यहाँ से ले आए, लेकिन बीजेपी वाले भी कुछ बड़ा तो करेंगे। जन आधार पोर्टल फिलहाल एडवांस है, बहुत एडवांस है, इसके अंदर जन आधार फैमिली EKYC भी इंक्लूड कर दी गई है, जोड़ दी गई है, तो अब बहुत सिक्योर हो गया जन आधार। लेकिन क्या इसको रिप्लेस करेंगे वापस जन आधार के अंदर, वो तो सरकार बदलती है, क्योंकि इस बार गहलोत सरकार ने बहुत सारी योजनाएँ निकाली, ठीक है, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक ये भी, और ये भी पिछले साल भी थी, लेकिन जो है इस सरकार के अंदर ही ये संभव हो चुका था। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, चिरंजीवी योजना है, यहाँ पे अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना है, यहाँ तक कि हर एक योजना आप देखते हैं, महंगाई रात कैंप है, कैंप चलाए गए थे, ठीक उसके अंदर वृद्धा पेंशन है, वृद्धा पेंशन के अंदर वृद्धि की गई, 1000 रुपये मिनिमम अब पेंशन कर दी गई है, चाहे आप कुछ भी हो मिनिमम पेंशन राजस्थान के अंदर 1000 रुपये है, ठीक उसके बाद में हर साल यहाँ पे आपकी पेंशन बढ़ेगी, 10% है लगभग बढ़ेगी आपकी जो भी पेंशन, तो बहुत ही बढ़िया काम किया है। लेकिन उसके बाद अब यदि सरकार चेंज होती है तो आपका कार्यकाल भी चेंज होगा, आपकी ज्वाइनिंग जल्दी हो जाएगी, आप टेंशन मत कीजिए, उस बात का टेंशन आप लो ही मत, आचार संहिता से पहले लगभग यहाँ पर ये चीज़ें हो जाएगी, लगभग सीरियस लगभग होगा, ठीक है। और आपको बता दें सरकार के बाद में आपको जो कार्य दिया जाएगा, यदि सरकार चेंज होती है तो भी आपको कार्य चेंज किया जा सकता है, ठीक उसके बाद में गहलोत सरकार के अंदर काफ़ी काम हुआ है आप देखिए, लेकिन पहले भी काफ़ी अच्छा काम हुआ था, बता दूं आपको बीजेपी सरकार के अंदर भी, मैं सरकारों की बात कर रहा हूं, तारीफ दोनों की भी कर रहा हूं, मैं किसी भी पक्ष में नहीं हूं। देखिए बीजेपी के अंदर ये जन आधार पोर्टल लाए, तो जन आधार पोर्टल से हुआ क्या वो आपको बताता हूं। तो जन आधार पोर्टल से हुआ ये सारी चीज़ें डिजिटल आ गई, भामाशाह पोर्टल लाए थे बीजेपी सरकार, भामाशाह पोर्टल से हुआ क्या, सब कुछ डिजिटल आ, डिजिटल किसमें आ गया, जैसे कोई किसी का वृद्धा पेंशन है तो वो ऑनलाइन आ गया, उसके बाद में कोई एम्प्लॉयर है, यदि कोई टीचर है कुछ भी है, वो भी डाटा इसके अंदर आ गया, भामाशाह के अंदर सारा डाटा इसके अंदर आ गया। और ठीक उसके बाद में यहाँ पे सरकार बदली, क्या हुआ सरकार बदली और उसके बाद में जन आधार पोर्टल लाई, लेकिन जन आधार पोर्टल इस वक्त तो बहुत एडवांस है, जब आप कुछ भी करते हो, स्कॉलरशिप फॉर्म हो गया, न्यू पेंशन फॉर्म हो गया, ठीक बहुत सारी चीज़ें, किसी के अंदर आपको सब्सिडी लेनी है तो भी जन आधार की ज़रूरत पड़ती है, एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जन आधार का। यदि इसकी EKYC आपने अभी तक नहीं की है, जन आधार की फैमिली EKYC, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे जाके आप EKYC कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ठीक वहाँ पे जाके कुछ यहाँ पे इस तरह से EKYC कर ले, बहुत अच्छी तरीके से उसके अंदर बताया गया है, तो EKYC कराना ज़रूरी है। तो दोस्तों महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के अंदर बस इतना ही आपको बता दिया कि कब यहाँ पे आपकी नियुक्ति या ज्वाइनिंग कुछ भी हो कब, तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।